तो हाय गाइस, मैं सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जोन चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, मैंने लाइट रूम को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ से हम ऑल पर से हम क्लिक करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोगों को दो प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों प्रीसेट का लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रीसेट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से मैं थ्री डॉट में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी थ्री में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हम अपने मॉडल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, मैंने मॉडल का फेस और हेयर का पहले से एडिट करके रखा हुआ है। तो इन दोनों वीडियो के लिंक आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप लोग वहां से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, प्रीसेट को पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं थ्री डॉट में जाऊंगा। एंड गाइस, यहां पे लिखा है पेस्ट सेटिंग, तो पेस्ट सेटिंग में मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, कितना ऑसम एडिट हो चुका है। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हम जाना होगा इस शेयर बटन में। तो यहां से मैं चला जाता हूं। एंड गाइस, यहां पे लिखा है सेव टू डेस्क, तो सेव टू डेस्क कर लेता हूं। एंड यहां से हमारा पिक एक्सपोर्टिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्टिंग, ठीक है। एंड यहाँ से हो चुका है। एंड यहाँ से इसको मैं डन करूँगा। एंड यहाँ से इसको मैं फिर से रिसेट करूँगा इस यहाँ से। एंड यहाँ से ऑल में क्लिक करूँगा एंड अपने रेड टोन वाले प्रीसेट को मैं ओपन करूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं थिएटर में जाऊँगा एंड यहाँ से कॉपी सेटिंग करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से उसी मॉडल को हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं थिएटर में जाऊँगा। एंड गाइस, यहाँ पर लिखा है पेस्ट सेटिंग, तो पेस्ट सेटिंग में मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस वन क्लिक में रेड टोन वाला एडिटिंग हो चुका है। एंड इसको मैं थोड़ा सा और ब्राइट करूँगा, ठीक है। मतलब इसमें सेलेक्ट टूल में जाऊँगा एंड यहाँ से प्लस में, और मैं दूसरे वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फेस पे हमें कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है गाइस। एंड यहाँ से लाइट वाला टूल में आए और एक्सपोजर को बढ़ा लेना है एंड शेडो को, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड इस पिक को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इस शेयर बटन में जाकर। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है सेव टू डेस्क, तो सेव टू डेस्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने पिक्सल को ओपन कर लूँ और अपने फोटो को भी ऐड कर लूँगा जिसको हमने लाइट रूम से एडिट किया था, ठीक है। तो यहाँ से गाइस, हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड गाइस, ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद हमें जाना होगा इस लेयर वाले पैनल में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस प्लस में हमें टैप करना है गाइस। एंड यहाँ से फोटो लेयर में हमें क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस, हमारा मॉडल ऐड हो चुका है। तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस लेयर को मैं नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड इस लेयर में हमें क्लिक करना है और एक और पेंसिल को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस, अपने मॉडल को मैं कुछ इतना रख लूँगा। एंड यहाँ से ऐड फोटो में क्लिक करूँगा और अपने एक पेंसिल को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो वैसे यह हमारा पेंसिल ऐड हो चुका है। तो यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड इस लेयर वाले पैनल में जाना है गाइस। एंड इस रेड टोन वाले को हमें इसमें, मतलब इस लेयर में हमें क्लिक करना है, ठीक है, रेड टोन वाले लेयर में। यहाँ से मैं कर लेता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से हमें इरेजर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इरेजर वाले ब्रश में जाना है। यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड इसके हार्डनेस को मैं कुछ इतना रख लूँगा, ठीक है, कुछ इतना। एंड यहाँ से इसको मैं डन कर लेता हूँ। एंड फिर से हमें इसी में क्लिक करना है। एंड इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इतना, ठीक है। एंड यहाँ से इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, मैंने पूरा, मतलब पूरा रेड टोन को इरेज कर लिया, ठीक है। एंड फेस पे भी गाइस, हमें कुछ ज़्यादा अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। एंड इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारा पिक अब। तो गाइस, इस पिक को मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए गाइस, हमें जाना होगा इस थ्री डॉट में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है सेव इमेज, तो सेव इमेज कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।